तक मीठापुर के मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, जो कि कलाकारों को जीवन देने में सबसे बड़ा योगदान निभाए। अभी हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार स्टेज स्टार कहा जाने वाले, जो कि बहुत सारे चाइल्ड बच्चों को जीवन संवार है, उनका गोरिल्ला गैस स्टेज शो के दौरान उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी भोजपुरी के गायिका खुशी कक्कर हैं, साथ में स्टेज स्टार कहा जाने वाले अनुमान बाबू है। सबसे पहले बताइए कैसे घटना हुआ, कुछ जानकारी आपको है? छपरा साइड में और बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है। अभी हम लोग मैक्सो के पास आए थे, मैक्सो में दीदी एडमिट है ICU में, गए थे देखने के लिए लेकिन बात करने के हालत में नहीं है, अभी सोई हुई थी, बस हम लोग देख के चले आए, बट बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है, पैर में उनके गोली लगा हुआ है। अच्छा, आप तो स्टेज करते हैं, बहुत सारे स्टेज करते हैं, अब स्टेज से चर्चित हैं, स्टेज शो के दौरान कभी भी कलाकार हर्ष फायरिंग के दौरान जहाँ जहाँ गोली चली है, किसने किसी कलाकार पे ऊपर चली, इस पर आप क्या कहिए? सबसे पहले तो कल्लू भैया पे भी चला था गोली, कल्लू भैया को भी लगा था, और अभी तीसरा ये हादसा हुआ है निशा दीदी के साथ। तो आगे ये हादसा ना हो, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी कलाकार हैं, स्टेज शो के दौरान अगर फायरिंग होता है तो आप स्टेज से उतर जाइए और बोलिए कि मैं जब तक फायरिंग बंद नहीं होगा तब तक मैं शो नहीं करूँगा। अच्छा, जो भी कलाकार करते हैं, क्या जो भी हर्ष फायरिंग करते हैं, क्या वो परमिशन लेकर आते हैं फायरिंग करने के लिए, या फिर अपने मन में? कितने लोग परमिशन लेके भी आते हैं और कितने लोग बिना परमिशन के आते हैं, तो परमिशन का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप जो मन करो सो कीजिएगा। परमिशन इसका नहीं दिया जाता ना कि आप फायरिंग के, इसका लिए आप सामान ले जा सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं, और बहुत लोग लाइसेंस भी है, तो लाइसेंस ही है, अगर इस तरीके का हरकत करे तो उनका लाइसेंस का कौन फायदा, उसको बंद रद्द कर दीजिए उस लाइसेंस। बताइए, जब उनके पैर में गोली लगी, कहीं ये साजिश तो नहीं हो सकता है कि निशा उपाध्याय को मार दिया जाए या कुछ कर दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, निशा जी बहुत अच्छी हैं, उनसे किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो ये, उनका बिहेव बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी हैं। ये मजाक मतलब होता है ना, दिखावे के चक्कर में ये हो गया है, इंजॉय के चक्कर में ये हो गया है, लेकिन ऐसा इंजॉय नहीं करिए आप लोग जिससे किसी का जान खतरे में पड़ जाए या फिर किसी का जान चला जाए। अभी तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बहुत अच्छी हैं, फिलहाल में ठीक है। हो सकता है अगर इससे भी ज्यादा कोई बड़ा हादसा हो गया होता तो कोई जान ला के देता, नहीं देता ना। अब तो जो परेशान हो रहा है वो परेशान हो रहा है, अब तो जो फायरिंग करके गया वो तो दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आया, जो फायरिंग किया वो देखने भी नहीं आया कि मतलब किस हालत में है, क्या हुआ। तो ऐसे आप लोग मत क्या कीजिए, और कलाकार से खासकर निवेदन है कि स्टेज प्रोग्राम के दौरान अगर कोई भी फायरिंग कर रहा है तो आप लोग प्रोग्राम बंद कर दीजिए, प्रोग्राम ही ना करिए, जब तक फायरिंग बंद ना हो तब तक प्रोग्राम ना करिए। और जितने भी आयोजक करता है सबसे मैं बोलूँगी कि ऐसे फायरिंग वगैरह दिखावा ना करिए कि किसी का जान चला जाए, किसी का जान खतरे में पड़ जाए। ये दिखावा दिखाने के लिए बहुत तरीके से दिखा जा सकता है कि हम बहुत बड़े हैं, दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप गोली चलाइए, किसी के पैर में मार दीजिए, किसी का जान ले लीजिए। भाई गोलू भैया को लगा था, कल्लू भैया को लगा था, बताइए कम से कम हो रहा है, गलती हो गया ठीक है, बार बार गलती को आप लोग दोहराते आ रहे हैं, उसको सुधार, गलती को सुधारा जाता है ना कि दोहराया जाता है, ठीक है। दो तीन हो ही गया, अभी तीसरा चौथा है, दो का डेट भी हो गया, तो बताइए बड़ा बड़ा हादसा हो जा रहा, फिर भी देख के समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम यही कहेंगे कि आगे से ऐसा ना हो, आप लोग अभी से सतर्क हो जाइए कि आगे से फिर ऐसा ना हो। अच्छा, जो भी कलाकार स्टेज से जो बुकिंग करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी स्टेज से बुकिंग करते हैं वो पहले ही कहने कि भाई साहब अगर गोली चलती या फायरिंग हॉर्स फायरिंग कोई भी फायरिंग होता है तो हम स्टेज बंद कर देंगे, इस एग्रीमेंट के साथ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो होता है, ऐसे कलाकार बोलते हैं, अगर नहीं भी बोलते हैं तो खुद को अपने से समझ में आना चाहिए ना कि क्यों फायरिंग कर रहे हैं, और फायरिंग कर रहे हैं तो कलाकार को मना करना चाहिए कि नहीं जब तक फायरिंग होगा तब तक मैं शो नहीं करूंगा, तब तक के लिए शो बंद हो जाएगा। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, मेरे प्रोग्राम के दौरान भी ऐसा हो चुका है कई बार, तो हमने बोला कि नहीं जब तक फायरिंग होगा तब तक मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, तो रुक गए, ऐसा बोलना चाहिए, सभी कलाकार को बोलना चाहिए। निशा उपाध्याय जी आपका जीवन बनाए, आप खुद जान साक्ष हैं, अरमान बाबू है, बहुत सारे कलाकार हैं, अब उनके जैसा कलाकार पर भी गोली चल जा रहा है, हमको लग रहा है जब पैर में लगा है तो बहुत लोगों का कहना है कि वो साजिश के दौरान पैर मारा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब वो लोग दिखावे के चक्कर में लग गया है, मतलब वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे अपना और इंजॉय के चक्कर में लग गए। नहीं, ऐसा लग रहा कि जो इंजॉय कर रहे थे नशे की हालत में होकर ही हर्ष फायरिंग कर रहे थे? अब पता नहीं, हो सकता है ऐसा हुआ हो, ऐसा हुआ हो, लेकिन हम लोग देखे नहीं थे करीब से, लेकिन ऐसा हो सकता है। नहीं, अगर सही सलामत अगर फायरिंग करते हैं तो फायरिंग ऊपर की ओर होता है, ये नहीं फायरिंग ऐसे होता है, वही बात है ना कि फायरिंग ऊपर की ओर होता है, नीचे वो लोग सोचे ना कि नीचे फायरिंग करेंगे तो धूरा उड़ेगा, और धूरा उड़ेगा तो सब लोग देखेंगे, तो धूरा उड़ाने के चक्कर में मतलब गोली लग गया। कहाँ हुआ था? कहाँ? छपरा साइड में हुआ था। छपरा साइड में
क्या आप लोग भी आगे आने वाले समय में प्रोग्राम जब भी करिएगा इस पर निर्णय लीजिएगा कि अगर जहाँ फायरिंग होता है तो हम पहले ही प्रोग्राम बंद कर दें, पैसा मिले या ना मिलेगा, पैसा जीवन से भर के पैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा हम नहीं, ऐसा सबको करना चाहिए। अभी फिलहाल ये स्थिति देख रहे हैं आप, ऐसा सबको करना चाहिए कि पैसा मायने नहीं रखता है। अब हम जा रहे हैं पब्लिक का पैर पाने, वहाँ से हम गोली खा के आ जाएंगे, क्या फ़ायदा उस पैसे का बताइए। तो जान बहुत प्यारी है सबकी, और हम सब कलाकारों को यही बोलेंगे कि आप लोग सतर्क हो जाए, सारे लोग आवाज़ उठाइए कि जहाँ भी फायरिंग होगा इस तरह का प्रोग्राम नहीं करेंगे, और नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ज़्यादातर दर्शकों को और जो भी कलाकार स्टेज शो बुक करते हैं उनके लिए क्या संदेश है? पहले जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अभी दीदी फिलहाल ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मतलब दीदी ऐसी सही सलामत रहे, और जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं सब लोग सही रहें, और आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। यही कहेंगे जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आप लोग दुआ करिए कि दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और भगवान करे कि अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी है। और खासकर धन्यवाद देंगे मैक्स हॉस्पिटल, विक्रम सर को, पवन सर को, कि वो लोग कलाकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और बस ऐसे ही भगवान बन के अब सपोर्ट करते रहें। कलाकारों के लिए भगवान है, एक नहीं बहुत लोगों को जीवन बचाया, जीवन दान दिया उन लोगों ने, तो भगवान से यही कहेंगे कि सबको सुरक्षित रखिए, दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतने हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका खुशी कक्कर जी, साथ में अरमान, इन्होंने बताया निशा उपाध्याय के बारे में कि कैसे क्या हुआ था और आगे आने वाले समय इन लोग क्या करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे